देखो पहले मैं आपको बता देता हूँ कि रिवीजन हम लोग कैसे करेंगे। दूसरी बात यह है कि रिवीजन हमारे लिए ना बड़ा इम्पॉर्टेंट है। आप अगर रिवीजन को थोड़ा सीरियसली लेकर करेंगे ना सही तरीके से, तो बहुत फ़ायदा होने वाला है आपको रिवीजन से। बस ये समझ लीजिए कि ये आपके बोर्ड एग्ज़ाम की मतलब मैं कह के चल रहा हूँ बोर्ड एग्ज़ाम, और बहुत सारी चीज़ें बोर्ड एग्ज़ाम से अलावा भी आप लोगों की क्लियर हो जाएंगी। ठीक है, फाइनल टच है, बस आप ये समझ लीजिए कि आपके बोर्ड एग्ज़ाम के लिए। ठीक, तैयारी कैसे हम लोग इसकी करेंगे, पहले आप लोगों को ये समझ के चलना है जितना हम करेंगे वो सफिशिएंट रहेगा आपके बोर्ड एग्जाम के लिए, बहुत अच्छे तरीके से सफिशिएंट रहेगा, क्योंकि बहुत सारी चीज़ों की हम इसके अंदर प्रैक्टिस करके चलेंगे। ठीक है, पहले मैं आपको बता देता हूँ कि हम कैसे रिविज़न करेंगे। ठीक भाई, ऐसा है बच्चों, चलो टेस्ट सीरीज तो ठीक है, टेस्ट सीरीज तो मात्र एक बहाना है, सही मायने में तो हमें अपने चैप्टर को बहुत अच्छे तरीके से कवर करना है, सिलेबस को बहुत अच्छे तरीके से कवर करना है। तो हम अपना रिवीजन सबसे पहले स्टार्ट करेंगे बेसिकली इलेक्ट्रोस्टैटिक्स से। इसका हमारा टेस्ट भी है बच्चों, फर्स्ट इलेक्ट्रोस्टैटिक्स का टेस्ट सीरीज के अकॉर्डिंग, और इसी का हमारा सबसे पहले रिवीजन रहेगा। ठीक है, हमने क्या किया है कि इलेक्ट्रोस्टैटिक्स की क्लास को 15 दिन की क्लास में, 15 से 17 दिन की क्लास में हमने इसे डिवाइड कर दिया है। 15 to 17 डेज की क्लास में हम लोगों ने इसे डिवाइड कर दिया है। ठीक है, हम इलेक्ट्रोस्टैटिक्स के अंदर बिल्कुल टॉपिक वाइज, जैसे आपकी NCERT के अंदर टॉपिक दिए हैं न्यू पैटर्न के मुताबिक, जो डिलीट हुआ हुआ सिलेबस है उसे नहीं पढ़ेंगे, सिर्फ न्यू पैटर्न की मैं बात कर रहा हूँ। ठीक है, पहले आपको वो टॉपिक हम बताएंगे, सबसे पहले टॉपिक। ठीक है, उसके बाद में टॉपिक के ऊपर जितनी भी NCERT की प्रॉब्लम्स हैं वो, सबसे पहले टॉपिक, टॉपिक के ऊपर जितनी भी NCERT की प्रॉब्लम्स हैं वो डिस्कस करेंगे हम लोग। NCERT के बाद जो हमारी प्रीवियस ईयर की जो प्रॉब्लम है उसी टॉपिक के ऊपर, जो प्रीवियस ईयर, अरे भाई बाहर क्या देख रहे हो, मतलब मैं यहाँ बता रहा हूँ तुम बाहर देख रहे हो। उसके बाद में उसी टॉपिक के ऊपर जो हमारी प्रीवियस ईयर की प्रॉब्लम्स होंगी, सिर्फ उसी टॉपिक की मैं बात कर रहा हूँ। ठीक है, वो हम डिस्कस करेंगे प्रीवियस ईयर की प्रॉब्लम्स को। ठीक है, चौथे नंबर पर हमारे पास में क्या आएगा, कुछ हमारे पास में बढ़िया प्रॉब्लम्स होंगी बच्चों, मतलब हम ये मानकर चलेंगे कि पेपर का लेवल ना कैसा भी हो सकता है, बहुत बेसिक लेवल भी हो सकता है पेपर का और बहुत अच्छा लेवल भी हो सकता है। हम एक उम्मीद करके नहीं चल सकते हैं कि यार बहुत बेसिक लेवल का पेपर बनेगा या एवरेज पेपर बनेगा या बहुत अच्छा पेपर बनेगा। हमें अपनी प्रिपरेशन इस तरीके से करनी है कि बहुत बेसिक क्वेश्चन को भी हम सॉल्व कर दें, मॉडरेट को भी सॉल्व कर दें, और अगर बहुत अच्छा क्वेश्चन बन जाए जो बहुत टफ हो उसे भी हम लोग सॉल्व कर दें, आराम से हमें कोई परेशानी ना हो। ठीक है, उसके बाद में कुछ टिपिकल प्रॉब्लम है, हॉट्स प्रॉब्लम है, हम उन्हें डिस्कस करेंगे। ठीक है, और मुझे लगता है कि पहली बात तो ये कि NCERT करते ही आपका बहुत कुछ क्लियर हो जाएगा। टॉपिक आप लोगों ने पढ़ लिया, टॉपिक के ऊपर NCERT का एक एक क्वेश्चन आप लोगों ने कर लिया, इन दोनों में ही आपका टॉपिक बहुत अच्छे तरीके से क्लियर हो जाएगा। और जहां आप लोगों ने प्रीवियस ईयर करे और प्रीवियस ईयर करने के बाद में ये प्रॉब्लम लगाई, फिर तो टॉपिक आपका बहुत ही अच्छे तरीके से तैयार हो जाएगा, और इस पूरे रिवीजन के बाद में हो जाएगा आपकी प्रिपरेशन को चेक करने के लिए इलेक्ट्रोस्टैटिक्स का टेस्ट। इलेक्ट्रोस्टैटिक्स के टेस्ट पेपर जो बनने वाला है ना बच्चों, 3 सेट बनेंगे टेस्ट पेपर के, और ये समझ लीजिए कि उन 3 सेट के अंदर जितने भी क्वेश्चन डाले जाएंगे, एक एक क्वेश्चन अपने आप में बहुत ही बढ़िया क्वेश्चन होगा, बहुत जबरदस्त प्रॉब्लम होगी। ठीक है, ये सब आपने पढ़ लिया, 3 टेस्ट पेपर को आपने अच्छे से सॉल्व कर लिया, तो पूरा इलेक्ट्रोस्टैटिक्स आपका तैयार, और इसके बाद हम पहुंच जाएंगे करंट इलेक्ट्रिसिटी पर, देन मैग्नेट, EMI, AC, ऑप्टिक्स, सेमीकंडक्टर, एटॉमिक फिजिक्स, न्यूक्लियर फिजिक्स, फिर हम उनकी बात करेंगे। ठीक है, इस पूरे प्रोसेस में मैं आप लोगों से सिर्फ इतना कोऑपरेशन चाहता हूं कि जितना मैं आप लोगों को पढ़ाऊं, मैं ये नहीं कह रहा हूं कि आप एक्स्ट्रा कुछ करके लेकर आइए, अपने आप से कुछ प्रैक्टिस करिए, घर जाकर 4 घंटे आप पढ़िए, नहीं, जितना मैं तुम्हें यहां पढ़ा रहा हूं ना वो बिल्कुल अप टू डेट होना चाहिए, उसका एक एक क्वेश्चन आप लोगों को याद होना चाहिए बहुत अच्छे तरीके से, उसमें कोई परेशानी नहीं होनी चाहिए। मैं सारे क्वेश्चंस आप लोगों को सॉल्व कराऊंगा, एक एक NCERT का क्वेश्चन, एक एक प्रीवियस ईयर का क्वेश्चन, हम सब कुछ पूरी अच्छे तरीके से क्लास के अंदर डिस्कस करेंगे। बस आप लोगों का काम ये होगा कि उन सारे क्वेश्चंस को अच्छे तरीके से समझ के आप लोगों को याद रखना है। ठीक है, चलिए तो करें स्टार्ट। बोलो भाई, देखो ऐसा है कि ये वाला जो रिविजन बैच की मैं बात कर रहा हूँ, अरे बैठ जाओ भाई, और खिसक जाओ इधर, और हो जाओ। रिवीजन बैच की हम बात कर रहे हैं तो कम से कम थोड़ा समय तो चाहिए होगा यार प्रैक्टिस के लिए। 7 दिसंबर में हमने इसे स्टार्ट किया है, दिसंबर, जनवरी, फेब तक तो चलेगा ही चलेगा। अगर एग्ज़ाम आप लोगों के 1% पीछे हट गए, अप्रैल में या मई में आपके एग्ज़ाम पहुँच गए, तो जब तक तुम्हारे एग्ज़ाम नहीं होंगे तब तक ही मैं तुम लोगों को पढ़ाऊँगा। ठीक है,
जिससे कि तुम लोग टच में रहोगे सारी चीज़ों के ना, अच्छे तरीके से तुम याद रख पाओगे सभी चीज़ों को, ठीक है। एक बार अगर रिवीजन हमारा कंप्लीट भी हो गया तो दोबारा स्टार्ट कर देंगे। हाँ बिल्कुल, क्लास के अंदर मान लो मैंने टॉपिक पढ़ा दिया, आज मैंने कोई टॉपिक आप लोगों को पढ़ाया, मैंने अपनी तरफ से जितने क्वेश्चन कराने हैं सब करा दिए, तुम घर से कुछ क्वेश्चन करके लेकर आते हो तो नेक्स्ट डे मुझसे डिस्कस करो। मैं पहले नेक्स्ट डे नया चैप्टर पढ़ाने से पहले आपसे यही पूछूंगा, कोई प्रॉब्लम है तो बताइए, ठीक है। जो भी आपको डाउट आता है वो आप क्लियर करिएगा, ठीक है। और कोई सवाल है तो बताओ। लेकिन मैंने आप लोगों से कहा कि अगर आप काम नहीं करके लेकर आएंगे ना, जो मैंने आप लोगों को काम दिया, 3000 रुपये भी तुम्हारे जब्त हो जाएंगे और मैं तुम्हें पढ़ाऊंगा भी नहीं, ठीक है, भगा दूंगा यहां से मैं बिल्कुल। चलो ठीक है, बस बात मत करो। तो बेटा ऐसा है कि इलेक्ट्रोस्टैटिक्स हम स्टार्ट करते हैं और सबसे पहला टॉपिक हमारा रहने वाला है चार्ज। चार्ज का टॉपिक जब मैंने पढ़ाया था तब तो बहुत डिटेल्ड में जाकर पढ़ाया था, बहुत ज़्यादा डिटेल्ड में, लेकिन यहाँ अभी हमें इतने डिटेल में बात नहीं करनी है, इतने डिटेल में बात करने की ज़रूरत नहीं है। हम सिर्फ बात करेंगे आपके बोर्ड एग्जाम के लेवल पर। इधर आ जाओ भाई, उधर होके बैठ जाओ थोड़ा सा, फिर कोई और बच्चा आएगा फिर परेशानी होगी, और हो जाओ। करें स्टार्ट, ठीक है। अब इलेक्ट्रोस्टैटिक्स में सबसे पहला टॉपिक है हमारे पास में चार्ज, ठीक है। चार्ज के अंदर मैं आपको क्या पढ़ाऊंगा, चार्ज क्या है, और चार्ज की सिर्फ दो प्रॉपर्टी, एक प्रॉपर्टी का नाम है क्वांटाइजेशन ऑफ चार्ज और दूसरी प्रॉपर्टी का नाम है कंजर्वेशन ऑफ चार्ज, ठीक है, और चार्ज के ऊपर कुछ एक्स्ट्रा प्रॉब्लम्स, ठीक है। तो लिख लीजिए आप लोग अपनी कॉपी के अंदर हेडिंग चार्ज। लिखा सभी ने? देखो बेटा चार्ज में क्या आता है, अब जरा समझिएगा आप लोग, शॉर्ट नोट्स अपनी कॉपी के अंदर लिखिएगा, फिर मैं यहां से नोट्स आप लोगों को दे दूंगा कि आप नोट कर लीजिएगा। देखो सबसे पहले हमारे पास में है चार्ज, हम चार्ज के ऊपर बहुत ज्यादा बात नहीं करेंगे। चार्ज का सीधा सा मतलब यह है कि किस बॉडी पर इलेक्ट्रॉन की डेफिशिएंसी है और किस बॉडी पर एक्सेस है इलेक्ट्रॉन का, यानी किस बॉडी के पास में ज्यादा इलेक्ट्रॉन है। हो गया, पढ़ाऊं? चार्ज का मतलब यह है कि किस बॉडी पर इलेक्ट्रॉन की डेफिशिएंसी है और किस बॉडी पर ज्यादा इलेक्ट्रॉन है। जैसे हम पढ़ते हैं ना चार्ज टू टाइप्स का होता है, नेगेटिव चार्ज और पॉजिटिव चार्ज। तो पॉजिटिव चार्ज का सीधा सा मतलब है कि उस बॉडी पर इलेक्ट्रॉन्स की कमी है, ठीक है, और नेगेटिव चार्ज का मतलब है कि उस बॉडी पर एक्स्ट्रा इलेक्ट्रॉन है, कुछ इलेक्ट्रॉन एक्स्ट्रा है। फॉर एग्जाम्पल आपके सामने मैंने आपसे कहा सिर्फ टू द पॉइंट हम बात करेंगे, फालतू की बकवास कुछ नहीं करनी यहाँ पर, जो आपके लिए इंपॉर्टेंट है सिर्फ वही हम पढ़ेंगे उस टॉपिक के अंदर से। चार्ज में आपके सामने लिखा हुआ है क्यू इज इक्वल टू प्लस माइनस एन ई, ठीक है। ये चार्ज की एक प्रॉपर्टी है जिसे हम क्वांटाइजेशन ऑफ चार्ज का नाम देते हैं। अब तक जितनी भी बार सीबीएसई बोर्ड में क्वेश्चन आया चार्ज का, वो यहीं से पूछा गया है, ठीक है। अब आप इसका मतलब समझ लीजिए अच्छे तरीके से। Q इज इक्वल टू है प्लस माइनस एन ई, मैं इसे दो तरीके से लिख सकता हूं बेटा। एक मैंने लिखा Q इज इक्वल टू प्लस एन ई और एक मैंने लिखा Q इज इक्वल टू माइनस के एन ई। बेटा प्लस का मतलब है कि इलेक्ट्रॉन की डेफिशिएंसी है, इलेक्ट्रॉन कम है, समझ में आ रही बात आप लोगों को। और यहां लिखा हुआ है N, N का मतलब है कि इतने इलेक्ट्रॉन कम है, और E का मतलब है एक इलेक्ट्रॉन का चार्ज, जिसे हम फंडामेंटल चार्ज के नाम से भी जानते हैं। तो आप ये समझ लीजिए कि Q इज इक्वल टू प्लस एन ई का मतलब है अगर किसी बॉडी पर पॉजिटिव चार्ज है और वो लिखा हुआ है इस टर्म में, तो इसका मतलब है कि उस बॉडी पर इतने इलेक्ट्रॉन्स की कमी है, इतने इलेक्ट्रॉन उस बॉडी पर कम है, ठीक है। यदि कहीं लिखा हुआ है Q इज इक्वल टू माइनस के एन ई, तो नेगेटिव चार्ज का मतलब है कि उस बॉडी पर ज्यादा इलेक्ट्रॉन है, एक्स्ट्रा इलेक्ट्रॉन है, कुछ इलेक्ट्रॉन ज्यादा है। ये नेगेटिव चार्ज इलेक्ट्रॉन के ज्यादा होने को ही रिप्रेजेंट करता है, ठीक है, यानी इलेक्ट्रॉन का एक्सेस है। कितने इलेक्ट्रॉन एक्सेस है? एन इलेक्ट्रॉन एक्सेस है, और ई का मतलब क्या है? एक इलेक्ट्रॉन का चार्ज। फॉर एग्जाम्पल मैं आपके सामने लिखता हूं क्यू इज इक्वल टू प्लस के 100 ई, आप देखते ही समझ जाएंगे प्लस के 100 ई का मतलब है प्लस यानी पॉजिटिव, 100 का मतलब है कि 100, समझ में आ रही बात। पॉजिटिव का मतलब है कि इलेक्ट्रॉन की कमी है, क्या कमी है? इलेक्ट्रॉन की कमी है। कितने इलेक्ट्रॉन की कमी है? 100 इलेक्ट्रॉनों की कमी है, उस बॉडी पर 100 इलेक्ट्रॉन कम है बेटा, 100 इलेक्ट्रॉन कम है, ये Q इज इक्वल टू प्लस 100 E का मीनिंग है, समझ में आ रही बात आप लोगों को।
मैंने आपके सामने लिखा क्यू इज इक्वल टू माइनस टू इंटू 10^3e। अब जैसे मैंने आपके सामने नेगेटिव लगाया ना, आप एकदम से समझ गए, क्योंकि छोटी छोटी चीज़ें भी क्वेश्चंस में बहुत इंपॉर्टेंट पार्ट प्ले करती हैं, जो आपको क्लियर होने बहुत ज़रूरी है। तो नेगेटिव का मतलब है कि उस बॉडी पर इलेक्ट्रॉन ज़्यादा है। कितने इलेक्ट्रॉन ज़्यादा है? ई के सामने क्या लिखा हुआ है? 2 × 10^3। इतने इलेक्ट्रॉन उस बॉडी पर ज़्यादा है। तो उम्मीद है कि आप पॉजिटिव का मतलब अच्छे से समझ गए होंगे। पॉजिटिव का मतलब क्या है? इलेक्ट्रॉन की कमी। नेगेटिव का मतलब क्या है? इलेक्ट्रॉन का ज़्यादा होना। और ये जो इलेक्ट्रॉन का कम होना या इलेक्ट्रॉन का जो ज़्यादा होना है, इलेक्ट्रॉन की डेफिशिएंसी होना और इलेक्ट्रॉन का एक्सेस होना, बस ये समझ लीजिए कि यही चार्ज की डेफिनेशन है। एक्सेस और डेफिशिएंसी ऑफ इलेक्ट्रॉन इज नोन एज चार्ज। इलेक्ट्रॉन का कम होना या इलेक्ट्रॉन का ज़्यादा होना ही चार्ज कहलाएगा। क्लियर है? दोबारा बताने की जरूरत तो नहीं पड़ेगी। पॉजिटिव चार्ज का मतलब क्या है? इलेक्ट्रॉन की कमी। और नेगेटिव चार्ज का मतलब क्या है? इलेक्ट्रॉन का ज़्यादा होना। पॉजिटिव चार्ज का मतलब क्या है? इलेक्ट्रॉन की कमी। और नेगेटिव चार्ज का मतलब क्या है? इलेक्ट्रॉन का ज्यादा होना। ठीक है, अब हमारे पास में आता है कि भैया क्वांटाइजेशन ऑफ चार्ज का कॉन्सेप्ट क्या है। और क्वांटाइजेशन ऑफ चार्ज एक ऐसा कॉन्सेप्ट है कि जितने भी बार सीबीएसई बोर्ड में सवाल बना वो यहीं से बना। हमें क्वांटाइजेशन ऑफ चार्ज को समझना बहुत जरूरी है यार, कि क्वांटाइजेशन ऑफ चार्ज क्या है। देखो ध्यान से सुनिएगा, ये जो ई के सामने एन लिखा हुआ है, अभी तक तो हम कह रहे थे कि भैया n इस बात को रिप्रेजेंट करेगा कि इलेक्ट्रॉन ज्यादा है या इलेक्ट्रॉन कम है। अब हम ये कहेंगे कि क्वांटाइजेशन ऑफ चार्ज ये कहता है कि इलेक्ट्रॉन का जो मल्टीपल होगा, यानी इलेक्ट्रॉन का जो कॉफिशेंट होगा, वो हमेशा इंटीजर होगा। क्या होगा? हमेशा इंटीजर होगा। यहां कभी फ्रैक्शन में नंबर नहीं हो सकता है, कभी पॉइंट में नंबर नहीं हो सकता है। समझ में आ रही बात आप लोगों को? यानी अगर मैं कहीं आपके सामने लिखता हूं Q इज इक्वल टू माइनस के 2.5e, पहले आप इसका मतलब बताइए क्या होगा। आप कहेंगे कि माइनस, एक तो माइनस देखा आपने, माइनस माइनस का मतलब क्या है? इलेक्ट्रॉन का ज्यादा होना। कितने इलेक्ट्रॉन ज्यादा है? 2.5। अरे ढाई इलेक्ट्रॉन ज्यादा हो सकते हैं कि यार? इलेक्ट्रॉन कोई चीज छोड़िए, बीच में से काट देंगे हम लोग। ठीक है, ढाई इलेक्ट्रॉन कभी ज्यादा नहीं हो सकते। यानी इलेक्ट्रॉन का कॉफिशियंट ना तो कभी फ्रैक्शन में हो सकता है, ना कभी डेसिमल में हो सकता है, ये हमेशा एक इंटीजर रहने वाला है। अगर कभी कभार ऐसा हो भी जाता है कि इलेक्ट्रॉन का जो कॉफिशेंट है वो इंटीजर नहीं रहता है, फ्रैक्शन में चला जाता है या पॉइंट में चला जाता है, तो इसका मतलब यह है कि वहां जाकर क्वांटाइजेशन का जो रूल है वो फेल हो गया है। क्वांटाइजेशन का जो रूल है वो क्या हो गया है? फेल हो गया है। समझ में आ रही बात आप लोगों को? अब कई बार बोर्ड एग्जाम में ये भी सवाल आया है, बताइए क्वांटाइजेशन का जो रूल है वो कहां जाकर फेल हो जाता है। भाई हम लोगों ने पढ़ रखा है कि एटम के अंदर कौन कौन रहता है? इलेक्ट्रॉन तो चक्कर लगाते रहते हैं, और न्यूक्लियस के अंदर रहते हैं प्रोटॉन और न्यूट्रॉन। समझ में आ रही बात? और हम जानते हैं यार इलेक्ट्रॉन का चार्ज है माइनस ई, प्रोटॉन का चार्ज है प्लस ई, न्यूट्रॉन पर कोई चार्ज नहीं होता। हम एटम के अंदर पहुंच गए तो हमें एटम के अंदर मिले इलेक्ट्रॉन, प्रोटॉन और न्यूट्रॉन। अगर हम इलेक्ट्रॉन, प्रोटॉन और न्यूट्रॉन के भी अंदर पहुंच जाएं तो वहां हमें कुछ लेयर मिलेगी, लेयर। जैसे सी वेव्स होती है ना, सी वेव्स होती हैं, इसी तरीके से इलेक्ट्रॉन के अंदर चार्ज की कुछ लेयर मिलेगी। उन लेयर को हम फिजिक्स में बोलते हैं क्वार्क्स। ठीक है बेटा, काफी इंपॉर्टेंट है ये। जब से ये एमसीक्यू वाला पैटर्न लगाया है ना, तो यहां से क्वेश्चन बन सकता है, आप ध्यान रखिएगा। इलेक्ट्रॉन, प्रोटॉन और न्यूट्रॉन, जिन्हें हम सब एटॉमिक पार्टिकल का नाम देते हैं, वो बने होते हैं कुछ लेयर से, और इन लेयर को हम बोलते हैं क्वार्क। और इन क्वार्क लेवल पर ये जो क्वांटाइजेशन का रूल है ये हो जाता है फेल। क्या हो जाता है? फेल। क्वांटाइजेशन का जो रूल है वो क्वार्क लेवल पर काम नहीं करता है। तो पहला ड्रॉबैक और फर्स्ट लिमिटेशन आपके सामने निकल कर आ गई कि क्वांटाइजेशन का रूल क्वार्क लेवल पर काम नहीं करेगा। बताइए समझ में आ गई क्या बात आप लोगों को? ठीक है, अब हमसे क्वेश्चन कैसे पूछा जाएगा? देखो इसके चांसेस तो बहुत कम है कि कोई आपसे सीधा सीधा ये पूछ ले कि क्वांटाइजेशन ऑफ चार्ज क्या है। इसके चांसेस तो बहुत ही, बस ये समझ लो कि नेगलेक्ट है बिल्कुल। कोई आपसे ये नहीं पूछेगा क्वांटाइजेशन ऑफ चार्ज क्या है। हालांकि डेफिनेशन हमने आपको बता दी कि इलेक्ट्रॉन के सामने ये जो n है ये हमेशा इंटीजर होने वाला है। क्या होने वाला है? ये क्वांटाइजेशन ऑफ चार्ज की डेफिनेशन है। क्वांटाइजेशन ऑफ चार्ज की ये डेफिनेशन है कि e के सामने ये जो n है ये हमेशा इंटीजर होने वाला है। लेकिन ये कभी कोई पूछेगा नहीं आप लोगों से। क्वेश्चन कैसे पूछा जाएगा मैं आपको बताता हूँ, उसके बाद आप नोट करिएगा थ्योरी वगैरह जो भी आपको नोट करनी है, उसके बाद हम नोट करेंगे। ठीक है, देखो प्रॉब्लम हमसे क्या पूछी जाएगी बेटा, ध्यान दो। यहाँ पर सवाल हमसे पूछा गया ये, Q इज इक्वल टू माइनस
5 × 10 की पावर माइनस के, माइनस नहीं जाते हैं यार, प्लस 20 कूलम्ब, प्लस भी ज्यादा हो जाएगा। अरे बातचीत नहीं करो भाई, लो भाई बच्चों ये है अपने पास प्रॉपर्टी। मैंने आपके सामने चार्ज की वैल्यू को लिख दिया, Q इज इक्वल टू माइनस के 4 × 10 की पावर माइनस के 18 कूलम्ब, ठीक है। तो सबसे पहले तो आप इस चार्ज को देखकर मुझे ये बताइए कि इलेक्ट्रॉन की कमी है या इलेक्ट्रॉन ज़्यादा है। एक्सेस, नेगेटिव देखा आपने चार्ज के सामने, ये मत देख लेना भाई, ये देखना है ठीक है। चार्ज के सामने नेगेटिव देखा तो नेगेटिव का मतलब है कि इलेक्ट्रॉन ज़्यादा है। तो सबसे पहले तो मुझसे ये पूछा गया कि बताइए कि ये चार्ज पॉसिबल हो सकता है या पॉसिबल नहीं हो सकता है, ये चार्ज पॉसिबल है या ये चार्ज पॉसिबल नहीं है। तो मैं क्या करूँगा, पॉसिबल और पॉसिबल ना बताने के लिए हमें एक छोटा सा काम करना पड़ेगा, वो क्या है जरा समझिए बेटा। देखो अगर हमें नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन निकालने हैं, नेगेटिव का मतलब है कि इलेक्ट्रॉन ज़्यादा है, कितने इलेक्ट्रॉन ज़्यादा हैं वो यहाँ से निकालेंगे हम लोग। नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन निकालने का फॉर्मूला है 6.25 × 10⁻¹⁸। ये वैल्यू फिक्स है, जब भी आपको इलेक्ट्रॉन का नंबर निकालना है इसे चेंज नहीं करना है, ये फिक्स है बिल्कुल, ठीक है। और नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन निकालने के लिए इस वैल्यू की मल्टीप्लाई हमें 4 से करनी पड़ेगी, किससे करनी पड़ेगी। अब कैसे करेंगे जरा सुनो ध्यान से, नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन इज इक्वल टू 6.25 × 10⁻¹⁸, ठीक। बताइए चार्ज की वैल्यू क्या है आपके पास में, चार्ज की वैल्यू है −4 × 10⁻¹⁸। माइनस रखना है आप लोगों को यहाँ पर, समझ में आया, 10⁻¹⁸, 10⁻+¹⁸, इससे ये कैंसिल आउट हो गया, कैंसिल आउट। जरा करते हैं मल्टीप्लाई और देखते हैं क्या आंसर आएगा, 6.25 × −4, ठीक है। 6.25 की मल्टीप्लाई करेंगे हम −4 से, आई थिंक 26 आएगा या कुछ और आएगा, या 25 आएगा, मूर्ख हो तुम लोग सारे के सारे, अरे 25 आएगा। बताइए फाइनल आंसर एक इंटीजर आया है या नहीं आया है। ये जो फाइनल आंसर आपके सामने निकल कर आया है 6.25 × −4, ये एक इंटीजर है या नहीं है, ये कोई पॉइंट में तो नहीं है ना, ये फ्रैक्शन में है, ये पूरा एक नंबर है, इंटीजर है। इसका मतलब है कि ये चार्ज पॉसिबल है, ये फर्स्ट क्वेश्चन है जो यहाँ से हम लोगों से पूछा जाएगा कि बताइए ये चार्ज पॉसिबल हो सकता है या नहीं हो सकता है। हम किसी भी चार्ज की पॉसिबिलिटी को निकालने के लिए उसकी मल्टीप्लाई करेंगे 6.25 × 10⁻¹⁸ से, और अगर मल्टीप्लाई करके इंटीजर नंबर आ गया तो इसका मतलब है कि चार्ज पॉसिबल है, और अगर ये इंटीजर नहीं आया तो इसका मतलब क्या है कि चार्ज पॉसिबल नहीं है। समझ में आ गई बात आप लोगों को, इस तरीके की प्रॉब्लम हम लोगों से पूछी जाएगी। अब कई बार दिमाग में आता है कि यार ये फॉर्मूला आया कहाँ से हमारे पास में, जरा ध्यान से सुनिएगा, ये जो फॉर्मूला है ना आपके पास में, Q इज इक्वल टू एन ई, इसी फॉर्मूले को हल्का सा सिंप्लीफाई करके ये फॉर्मूला हमारे सामने निकल कर आया। कैसे, हमें निकालना है एन, सो एन इज इक्वल टू हो जाएगा क्यू अपॉन ई, हो गया क्यू अपॉन ई, ठीक है। क्यू के साथ में लिखा हुआ है 1, ये दिख रहा है आपको 1/e, जब हम 1/e को सॉल्व करते हैं तो ये बन जाता है 6.25 × 10⁻¹⁸ एंड मल्टीप्लाई बाय क्यू यानी चार्ज। तो जब भी इलेक्ट्रॉन का नंबर आप लोगों को निकालना है आपको इसी कॉन्सेप्ट का यूज करना है। बताइए समझ में आया या नहीं आया, कोई परेशानी तो नहीं है किसी को। तो बेटा पहला कॉन्सेप्ट चार्ज के ऊपर हम लोग, मैंने आप लोगों से ये कहा कि बस जो मैं बता रहा हूँ ना आप लोगों को उसे फॉलो करके चलें, उससे बाहर कुछ नहीं है, आप कहीं से भी क्वेश्चन लगा सकते हैं बोर्ड लेवल पर, उससे बाहर आप लोगों को कुछ नहीं जाने वाला है, ठीक है। सबसे पहले हमने आपको बता दिया कि चार्ज क्या है, एक्सेस और डेफिशिएंसी ऑफ इलेक्ट्रॉन, ये हमारा चार्ज कहलाएगा, ठीक है। दूसरी बात हमने चार्ज को रिलेटेड क्या बताई आपसे, कि चार्ज की हमने एक प्रॉपर्टी आपको बताई जिसका नाम है क्वांटाइजेशन ऑफ चार्ज, और क्वांटाइजेशन ऑफ चार्ज का कॉन्सेप्ट क्या कहता है कि इलेक्ट्रॉन के सामने क्या होगा, हमेशा इंटीजर होगा, क्या होगा, कभी फ्रैक्शन नहीं होगा, कभी पॉइंट का नंबर नहीं होगा, प्लस रिप्रेजेंट करेगा डेफिशिएंसी को और नेगेटिव रिप्रेजेंट करेगा एक्सेस को, क्लियर। कोई परेशानी किसी को, अपनी कॉपी में हेडिंग डाल दीजिए क्वांटाइजेशन ऑफ चार्ज। क्वांटाइजेशन ऑफ चार्ज, ठीक है,
क्वांटाइजेशन ऑफ चार्ज, लिखो जहां थोड़ी सी जरूरत पड़ेगी वहां लिखवा दूंगा, बाकी सब जगह नहीं लिखवाऊंगा। ठीक है, स्टार्टिंग में थोड़ा सा बेसिक है तो इसलिए बता रहा हूं मैं आपको, क्योंकि इसकी बार बार हमारे सामने जरूरत पड़ेगी ना, सिर्फ इसलिए लिखवा रहा हूं। ठीक है, आगे से ऐसा करेंगे कि थ्योरी हम आपको क्लास में नहीं लिखवाएंगे, सिर्फ एक्सप्लेन करेंगे, क्वेश्चंस कराएंगे आप लोगों को, और आप लोगों का एक ग्रुप बना देंगे हम लोग व्हाट्सएप ग्रुप। ठीक है, बहुत सारे स्टूडेंट ऐसे होंगे जिन्होंने स्टार्टिंग से कुछ भी नहीं पढ़ रखा है, तो वो जो थ्योरी होगी, जो भी थ्योरी हम लोग यहाँ आप लोगों को क्लास में समझाएंगे, उसकी थ्योरी हम आपको ग्रुप पर सेंड करते रहेंगे। ठीक है, अगर आप लिखना चाहोगे तो वहाँ से आप लिख पाओगे। ठीक, चलो भाई, अब ये क्वांटाइजेशन हमारे लिए बड़ा इंपॉर्टेंट है यार, हमें इसके ऊपर क्वेश्चंस करने हैं, क्योंकि मुझे इस बार उम्मीद है कि बोर्ड एग्जाम में इसके ऊपर 2 मार्क्स की प्रॉब्लम बननी जरूर चाहिए। ठीक है, 2 नंबर का क्वेश्चन इसके ऊपर जरूर आना चाहिए। ठीक है, तो थोड़ा सा हम लोग इसे डिस्कस करते हैं कि कैसे कैसी प्रॉब्लम आपके सामने पूछी जा सकती है। देखो बेटा, क्वांटाइजेशन ऑफ चार्ज से प्रॉब्लम नंबर 1 क्या है, प्रॉब्लम नंबर 1 लिखिए अपनी कॉपी के अंदर। फर्स्ट प्रॉब्लम है, अ पॉलिथीन पीस rubbed with wool, a polythene piece rubbed with wool, polythene acquires -3.2 into 10^-6 कूलम, into 10^-6 कूलम। ठीक है, अब आपको फाइंड क्या क्या करना है। नंबर 1, फाइंड द चार्ज ऑन वूल। ओके, नंबर 2, नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन ट्रांसफर्ड फ्रॉम, नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन ट्रांसफर्ड फ्रॉम वूल टू पॉलिथीन, नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स ट्रांसफर्ड फ्रॉम वूल टू पॉलिथीन। ओके, नंबर 3, क्वांटिटी ऑफ मास, क्वांटिटी ऑफ मास ट्रांसफर्ड वूल टू पॉलिथीन। ठीक है बेटा, इसके ऊपर इंपॉर्टेंट मार्क कर लीजिए, ये एनसीईआरटी का फर्स्ट क्वेश्चन है आपका इस टॉपिक से रिलेटेड, एनसीईआरटी प्रॉब्लम नंबर 1 इस टॉपिक से रिलेटेड पहला क्वेश्चन है, और सबसे इंपॉर्टेंट हमारा यही क्वेश्चन है, इसलिए पहले नंबर पे हम लोगों ने इसे रखा है। ठीक है, अब क्या क्वेश्चन है आप जरा समझिए। देखो भाई, प्रॉब्लम क्या है जरा समझिएगा, ये दिया गया है हम लोगों को अ पीस ऑफ पॉलिथीन, और ये हमें दिया गया है अ पीस ऑफ वूल। हमने इन दोनों को आपस में ना रबिंग कराया, ऐसे एक दूसरे के ऊपर घिसा। एक दूसरे के ऊपर घिसने से क्या होता है कि एक बॉडी पर आ जाता है नेगेटिव चार्ज और बिल्कुल उतना ही चार्ज लेकिन पॉजिटिव वो दूसरी बॉडी पर आ जाता है। इसका नाम आपको दिया है पॉलिथीन, इसका नाम दिया है वूल। ठीक है, अब जरा समझिएगा ध्यान से,
ये बताइए कि पॉलिथीन पर चार्ज की क्वांटिटी आपको कितनी दी है। पॉलिथीन पर चार्ज की क्वांटिटी है माइनस के 3.2 इंटू 10 की पावर माइनस के 7 कूलम। आगे समझ में, यही है ना, 6 से 7 है, माइनस के 6, चलो ठीक है, ठीक, क्लियर है, ओके। बिल्कुल इतना ही चार्ज हमारा वूल पर आने वाला है, बस फर्क इतना है कि वो चार्ज हमारा पॉजिटिव होने वाला है। अरे क्या होने वाला है? तो पहले सवाल का आंसर आप लोगों को ये हो गया, अगर दो बॉडी को आप आपस में रबिंग कराओगे तो जितना चार्ज यहां आएगा बिल्कुल उतना ही चार्ज यहां आएगा। यहां अगर वो चार्ज नेगेटिव का है तो यहां वो चार्ज कैसा हो जाएगा? पॉजिटिव। क्लियर, ये फर्स्ट क्वेश्चन का आंसर हम लोगों का हो गया, यानी फर्स्ट पार्ट का आंसर हो गया। बेटा सेकेंड पार्ट में आपको ये बताना है कि कितने इलेक्ट्रॉन ट्रांसफर हुए। अरे ध्यान से, कितने इलेक्ट्रॉन ट्रांसफर हुए? नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन ट्रांसफर्ड फ्रॉम पॉजिटिव बॉडी टू नेगेटिव बॉडी, क्योंकि आप जानते हैं पॉजिटिव बॉडी का मतलब है इलेक्ट्रॉन की कमी है, नेगेटिव का मतलब है कि इलेक्ट्रॉन एक्स्ट्रा है। अगर पॉजिटिव पर इलेक्ट्रॉन की कमी हो गई तो डेफिनेटली वो पॉजिटिव से निकलकर नेगेटिव बॉडी पर ट्रांसफर हो गए। बताइए वूल पर कैसा चार्ज आया? पॉजिटिव। पॉलिथीन पर कैसा आया? तो डेफिनेटली इलेक्ट्रॉन ट्रांसफर हो गए पॉजिटिव टू नेगेटिव, वूल टू पॉलिथीन। ठीक है, कितने इलेक्ट्रॉन ट्रांसफर हुए उसका हमारे पास में बड़ा शानदार फॉर्मूला है। क्या फॉर्मूला है? 6.25 इंटू 10 की पावर 18 एंड मल्टीप्लाई बाय चार्ज। अरे भाई अभी बताया था ना, नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन ट्रांसफर्ड 6.25 इंटू 10 की पावर 18 और इसकी मल्टीप्लाई हम करेंगे चार्ज से। ठीक है, चलिए देखिए क्या वैल्यू बनेगी अपने पास में। नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन ट्रांसफर्ड इज इक्वल टू 6.25 इंटू 10 की पावर 18। बताओ बेटा चार्ज की वैल्यू क्या होने वाली है? किसी भी बॉडी का चार्ज बता दो, दोनों बॉडी का चार्ज सेम है, कितना होने वाला है? 3.2 इंटू 10 की पावर माइनस के 6। बस नेगेटिव पॉजिटिव मत रखना यहां पर, नेगेटिव पॉजिटिव मत रखना यहां पर, ठीक है, ऐसे ही कर लेना काम। 6.25 और ये कितना है आपके पास में? 3.2। मल्टीप्लाई कर पाओगे? इन दोनों की मल्टीप्लाई कर लोगे ना आपस में? ये 10 की पावर कितना है? प्लस 18। ये 10 की पावर कितना है? माइनस 6। 18 में से 6 को माइनस करेंगे तो कितना आएगा? 12। लो भैया इतने इलेक्ट्रॉन ट्रांसफर होने वाले हैं वूल टू पॉलिथीन। ये बताइए कि इसका फर्स्ट पार्ट आ गया सभी लोगों को समझ में? जितना चार्ज पॉलिथीन पर आएगा उतना ही वूल पर आएगा, बस पॉजिटिव आएगा, एक पर नेगेटिव तो डेफिनेटली दूसरे पर पॉजिटिव। कितने इलेक्ट्रॉन ट्रांसफर हुए? वेरी इजी, 6.25 इंटू 10 की पावर 18 की मल्टीप्लाई चार्ज से करेंगे, हमें पता चल जाएगा इतने इलेक्ट्रॉन ट्रांसफर हुए। अब थोड़ा सा अपनी बुद्धि का यूज करना और ये बताओ अगर यहां से इलेक्ट्रॉन ट्रांसफर होकर यहां आ गए, समझ में आ रही बात? अगर किसी बॉडी का कुछ सामान हमने यहां से निकालकर यहां डाल दिया तो यहां से सामान निकालने पर यहां का मास क्या हो गया? कम। और अगर यहां डाल दिया तो यहां का मास क्या हो गया? बढ़ गया। तो बताओ कहां का मास डिक्रीज हुआ है और कहां का मास इंक्रीज हुआ है? यहां का मास क्या हो गया? डिक्रीज। और यहां का मास क्या हो गया? समझ में आ गई सभी लोगों को बात? अब कितना मास हमारा ट्रांसफर हुआ है, कहां से कहां ट्रांसफर हुआ है, पहले तो हमें यह बता दीजिए। मास ट्रांसफर हुआ है वूल टू पॉलिथीन, कितना मास ट्रांसफर हुआ है? थर्ड पॉइंट का आंसर है हमारा, ट्रांसफर्ड मास की वैल्यू निकालने का तरीका है बेटा, ट्रांसफर्ड इलेक्ट्रॉन की मल्टीप्लाई एक इलेक्ट्रॉन के मास से कर दीजिए। एक इलेक्ट्रॉन का मास कितना होता है? 9.1 इंटू 10 की पावर माइनस के 31 केजी। इलेक्ट्रॉन ही तो ट्रांसफर हुए हैं, अरे हुए हैं या नहीं हुए हैं? तो नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन जितने ट्रांसफर हुए हैं उसकी मल्टीप्लाई कर दीजिए एक इलेक्ट्रॉन के मास से। ठीक है, तो आपको पता चल जाएगा कि कितना मास ट्रांसफर हुआ है। सो नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन ट्रांसफर जस्ट अभी यहां हम लोगों ने निकाले थे, ये रहा। ठीक है, यहां रखते हैं 6.25 इंटू 10 की पावर 18, 18 तो हटा देते हैं तो खत्म हो गया, 10 की पावर 12 मल्टीप्लाई बाय 3.2। लो बेटा इतने इलेक्ट्रॉन ट्रांसफर हुए हैं इतने इलेक्ट्रॉन ट्रांसफर। क्लियर है सभी लोगों को? अब बताइए इसकी मल्टीप्लाई हम किससे करेंगे? इसकी मल्टीप्लाई हम करेंगे 10 की पावर माइनस के 31 और साथ में क्या है? 9.1 भी है। लो भैया इतना हमारा आंसर निकल जाएगा कि इतना केजी का मास हमारा ट्रांसफर हो गया वूल टू। क्लियर है सभी लोगों को? कोई परेशानी है तो बताइए। तो बेटा ये सबसे इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है क्वांटाइजेशन ऑफ चार्ज के ऊपर। ठीक है, नोट कर लीजिए आप इसे। देखो अगर समझ ना आए ना
तो तुम क्लास में, मैं भी हूँ तुम भी हो, 5 बार पूछो 10 बार पूछो कोई प्रॉब्लम नहीं है, लेकिन मैंने आपसे क्लास स्टार्ट होने से पहले ही कह दिया कि मैं रोज का काम रोज आप लोगों का देखूंगा, जितना मैंने पढ़ाया है वो बिल्कुल अप टू डेट होना चाहिए। उसमें अगर आपको कोई डाउट आता है, बाहर से कोई डाउट आता है, जो मैंने पढ़ाया उसमें कोई डाउट है, क्लियर करो अपना, कोई इशू नहीं है, जहाँ से आपकी मर्जी वहाँ से आप अपनी प्रॉब्लम को क्लियर करो, लेकिन बिल्कुल क्लियर होना चाहिए। जैसे जैसे हम आगे बढ़ते जाएंगे, ऐसा ना कि हमें फिर पीछे हट के दोबारा से तैयारी करनी पड़े, जैसे जैसे हम आगे बढ़ेंगे वो बिल्कुल क्लियर हो आप लोगों का, दोबारा पढ़ने की जरूरत ना पड़े उसे। कैलकुलेशन अपनी कॉपी में आदत डालो कि कंप्लीट करनी है, मैंने यहां तक छोड़ दिया तो आप यहां तक मत छोड़िए, जब आप आंसर लिखेंगे तो पूरी मल्टीप्लाई करके पूरा आंसर लिखिए, यहां पर मैंने यहां तक छोड़ा तो पूरा मल्टीप्लाई करके पूरा आंसर आप लोगों को लिखना है, ठीक है, पूरा आंसर लिखने की आदत डालिए। तो ये बताइए कि चार्ज के ऊपर ये प्रॉब्लम सभी लोगों को क्लियर हो गई है क्या? पक्का? अब आगे बढ़ जाएं हम लोग, ठीक है, सबने नोट कर लिया ना? वर्क फंक्शन की जरूरत नहीं पड़ेगी बोर्ड लेवल पर, वर्क फंक्शन बताना है। वर्क फंक्शन में क्या है कि जब आप बॉडीज को रबिंग कराते हैं तो जिसका वर्क फंक्शन कम होता है वहां से इलेक्ट्रॉन निकलकर ज्यादा वर्क फंक्शन वाले पर ट्रांसफर हो जाते हैं। जैसे वूल पर पॉजिटिव चार्ज आया था तो इसका मतलब है कि वूल का वर्क फंक्शन कम है, और पॉलीथीन पर कैसा चार्ज आया था, उसका वर्क फंक्शन ज्यादा है। हाँ, मतलब पॉजिटिव वाले का वर्क फंक्शन कम होगा और दूसरे वाले का जो वर्क फंक्शन होगा हमारा वो ज्यादा होगा, ठीक है। एनसीईआरटी क्वेश्चन नंबर 1 थियोरटिकल क्वेश्चन है हमारा ये एनसीईआरटी का फर्स्ट, ठीक है। इसी बिल्कुल इसी लैंग्वेज के साथ आपसे प्रॉब्लम पूछी जाएगी, लैंग्वेज का एक वर्ड भी चेंज नहीं होने वाला है, ठीक है। अब देखिए प्रॉब्लम क्या दे रखी है आप लोगों को, एक्सप्लेन द मीनिंग ऑफ द स्टेटमेंट इलेक्ट्रिक चार्ज ऑफ ए बॉडी इज क्वांटाइज्ड। अब तुम्हें यार जरूरी नहीं कि वो किताबी भाषा ही तुम्हें बिल्कुल रटी हुई हो और उसे ही तुम लिख कर आओ वहां पर, अगर तुम अपना आंसर एक लाइन में भी बता सको ना तो तब भी तुम्हारे नंबर पूरे हैं वहां पर, ठीक है। लेकिन बिल्कुल सटीक आंसर बताना है, जैसे मार्क्स का क्वेश्चन है उसी के हिसाब से आपको सटीक आंसर बताना है। फॉर एग्जाम्पल ये क्वेश्चन हमारा 1 मार्क्स का है, ठीक है, तो क्या बताओगे क्वांटाइजेशन ऑफ चार्ज क्या है, क्वांटाइजेशन ऑफ चार्ज क्या है? सबसे पहले तो मैं फॉर्मूला लिखूंगा, भैया फॉर्मूले के मुताबिक क्वांटाइजेशन ऑफ चार्ज ये है, लिख दिया मैंने फॉर्मूला। फिर मैं लिखूंगा कि प्लस का मतलब है डेफिशिएंसी और नेगेटिव का मतलब है एक्सेस। फिर मैं उसके नीचे एक और पॉइंट लिखूंगा और मैं लिखूंगा कि यहाँ जो n है ना, n वो हमेशा इंटीजर होना चाहिए, क्या होना चाहिए, अगर n इंटीजर नहीं रहा तो ये रूल हमारा क्या हो जाएगा, फेल। रूल कहाँ जाकर फेल होता है हमारा, जब हम एटम के अंदर, कौन मिलता है एटम के अंदर, इलेक्ट्रॉन प्रोटोन और उनके भी अंदर घुस जाते हैं, तो वहां जाकर ये रूल हमारा क्या हो जाता है, फेल हो जाता है। बताइए समझ में आ गई क्या बात? तो ये हमारा फर्स्ट क्वेश्चन का आंसर है, एक्सप्लेन द मीनिंग ऑफ द स्टेटमेंट इलेक्ट्रिक चार्ज ऑफ ए बॉडी इज क्वांटाइज्ड, ठीक है। जैसे मैंने आपको बताया, अगर आप ऐसे लिखना चाहते हैं तब भी आंसर आपका करेक्ट है, या जैसी अभी हमने थ्योरी आप लोगों को पूरी लिखवाई थी वैसे लिखना चाहते हो वैसे भी आंसर करेक्ट है, लेकिन मेरी कोशिश ये रहेगी कि आप लोग हमेशा बात को समझें और अपनी लैंग्वेज में उसे लिख कर आए, ठीक है। एक तो उससे क्या है कि तुम रटने से बचोगे, और दूसरा क्या है कि तुम अपनी लैंग्वेज में लिख कर आओगे तो अच्छा रहेगा, वहां पर तुम्हें पूरा डिक्टोग्रामेटिकल मतलब पूरा लिखने की जरूरत नहीं है, वहां पर 2 लाइन में अपना आंसर आप दे सकते हो, ठीक है। बताइए क्वांटाइजेशन ऑफ चार्ज का मतलब आप लोग समझ में आ गया है क्या? एन हमेशा क्या रहने वाला है, इंटीजर, ऑलवेज इंटीजर रहेगा एन, कभी फ्रैक्शन में रहेगा कभी पॉइंट में नहीं रहेगा, और प्लस का मतलब है डेफिशिएंसी और माइनस का मतलब है एक्सेस, क्लियर। अब देखो, व्हाई कैन वन इग्नोर क्वांटाइजेशन ऑफ इलेक्ट्रिक चार्ज व्हेन डीलिंग विद मैक्रोस्कोपिक लेवल। बेटा एक होता है मैक्रो, एक होता है माइक्रो, एक तो होता है मैक्रो एक होता है माइक्रो। ये जो हमारा क्वांटाइजेशन ऑफ चार्ज का कॉन्सेप्ट है जो जस्ट मैंने आप लोगों को पढ़ाया, ये बहुत बड़े लेवल पर वहां भी फेल हो जाता है, और बहुत छोटे लेवल पर यानी न्यूक्लियस के अंदर वहां भी फेल हो जाता है। क्वांटाइजेशन ऑफ चार्ज का जो कॉन्सेप्ट है ना, तो बहुत छोटे लेवल पर वैलिड है लाइक इलेक्ट्रॉन प्रोटोन और न्यूट्रॉन के अंदर, और ना बहुत बड़े लेवल पर वैलिड है, दोनों जगह क्या हो जाएगा, फेल। बहुत छोटे लेवल पर फेल क्यों हो जाता है, ऑलरेडी हम बात कर चुके हैं कि भाई बहुत छोटे लेवल पर इलेक्ट्रॉन प्रोटोन न्यूट्रॉन के अंदर होती है क्वार्क, क्या होती है,
और उन क्वार्क का जो चार्ज है वो इस रूल को ओबे नहीं करता है, इस वजह से फेल हो जाता है। अब आती है बहुत बड़े लेवल पर, ठीक है। अब एक छोटी सी बात बताना, हालांकि बहुत बड़े लेवल पर फेल होना नहीं चाहिए, लेकिन हम ऐसा मान कर चलते हैं, इग्नोर करके चलते हैं क्वांटाइजेशन ऑफ चार्ज के कॉन्सेप्ट को, ठीक है। अब मान लो यार तुम्हारे पास में 100 करोड़ रुपए की धनराशि है, ठीक है, 100 करोड़ रुपए एक तरफ है तुम्हारे पास में और तुम्हारी पॉकेट में 1 रुपया इधर है, ठीक है। तो 100 करोड़ के कंपैरिजन में मेरे हिसाब से तुम इस 1 रुपए को काउंट नहीं करोगे, या तुम कहीं लिखना पसंद करोगे 100 करोड़ 1 रुपया, नहीं लिखोगे ना। तो जब हम बहुत बड़े लेवल पर बात करते हैं, बहुत बड़े लेवल पर, तो वहां जो डेसिमल आया था ना, डेसिमल, उस डेसिमल को हम इग्नोर करके चलते हैं। क्या करके चलते हैं? इग्नोर करके चलते हैं। इसीलिए हम ये कहते हैं कि भाई बहुत बड़े लेवल पर भी हमारा जो क्वांटाइजेशन ऑफ चार्ज का कॉन्सेप्ट होगा वो ये समझ लीजिए कि अगर एन हमारे पास में लिखा हुआ है कहीं पर 20202020101001, ठीक है, तो क्या इस 0.01 को आप मान के चलोगे? अरे मान के चलोगे क्या भाई? नहीं मान के चलोगे ना। समझ में आ रही बात? दूसरी बात क्या है कि बहुत बड़े लेवल पर अगर बहुत बड़ी वैल्यू है, जैसे मैंने लिख दिया n = 3×10^30, लिख दिया 3×10^30, हमें क्या पता ये 3×10^30 है। हो सकता है कि कुछ ऐसा रहा हो नंबर वहां पर कि डेसिमल में रहा हो, और उस डेसिमल के नंबर को अप्रोक्स करके हम लोगों ने ये लिख दिया हो 3×10^30। समझ में आ रही बात आप लोगों को? तो बहुत बड़े नंबर में एक्यूरेटली हम कुछ नहीं कह सकते हैं, इसीलिए वहां क्वांटाइजेशन को हम इग्नोर करके चलेंगे, ठीक है। बहुत छोटे लेवल में क्यों फेल हो जाता है आप सभी लोग समझ गए हैं, और बहुत बड़े नंबर में हम एक्यूरेटली कुछ भी नहीं कह सकते हैं कि वहां डेसिमल था या वहां डेसिमल नहीं था, इसीलिए बहुत बड़े लेवल पर क्वांटाइजेशन को हम इग्नोर करके चलेंगे, ठीक है। बताइए ये क्वेश्चन क्लियर है क्या सभी लोगों को? जल्दी से बताइए यस और नो में जवाब दीजिए, क्लियर है या नहीं है। अगली क्लास से जो हम क्वेश्चन आपके सामने लेकर आएंगे उनके नीचे उसका आंसर भी होगा, ठीक है। अगर आप चाहो तो वहां से नोट भी कर सकते हो, ठीक है। यहां सिर्फ मैं आज एक्सप्लेन कर रहा हूं, नेक्स्ट क्लास में उस क्वेश्चन के नीचे जल्द उसका आंसर भी होगा, अगर आप चाहो तो नोट कर सकते हो, ठीक है। बताओ क्लियर है क्या बात? जल्दी से बताओ, कोई परेशानी है क्या? ओके नेक्स्ट। देखो बेटा, मैंने जस्ट आप लोगों को अभी यही कॉन्सेप्ट समझाया, ये भी एक NCERT की ही प्रॉब्लम है। व्हेन अ ग्लास रॉड इज रब्ड विद अ सिल्क क्लोथ, चार्ज अपीयर्स ऑन बोथ, अ सिमिलर फिनोमेना इज ऑब्जर्व विद मैनी अदर पेयर ऑफ बॉडीज, एक्सप्लेन हाउ दिस ऑब्जर्वेशन इज कंसिस्टेंट विद द लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ चार्ज। सुपर प्रॉब्लम है बिल्कुल। देखो लॉ ऑफ कंजर्वेशन, जहां भी हमारे कहीं सामने नाम आता है यार लॉ ऑफ कंजर्वेशन, एकदम से एक लाइन तो मेरे दिमाग में तो यार पक्का आ जाती है। वो क्या है कि हम इसे क्रिएट नहीं कर सकते हैं, हम इसे डिस्ट्रॉय नहीं कर सकते हैं, चाहे वो एनर्जी हो, चाहे वो मोमेंटम हो, चाहे वो आपका मास हो, और चाहे वो आप लोगों का चार्ज हो, आ जाता है या नहीं आ जाता है। तो यहां उसने थोड़ा सा बात को ना घुमा फिरा के हम लोगों से कहा, बहुत ध्यान देने वाली बात है, 3 स्टेप में क्वेश्चन खत्म हो जाएगा, ठीक है, ध्यान से आप मेरी बात को सुनिएगा। उसने ये कहा कि यहां आप हमें प्रूफ करके दिखाइए कि कैसे चार्ज कंजर्व है। तो भैया ऐसा है कि सबसे पहले तो हमारी डेफिनेशन क्लियर होनी चाहिए कि कंजर्वेशन ऑफ चार्ज का मतलब क्या है। कंजर्वेशन ऑफ चार्ज का मतलब है कि ना तो हम चार्ज को क्रिएट कर सकते हैं, ना हम चार्ज को डिस्ट्रॉय कर सकते हैं, चार्ज को सिर्फ हम ट्रांसफर कर सकते हैं एक बॉडी से दूसरी बॉडी पर। अगर किसी सिस्टम का चार्ज जीरो है, अगर शुरुआत में किसी सिस्टम का चार्ज जीरो है, तो बाद में भी उस सिस्टम का चार्ज जीरो ही होने वाला है। इन सारी बातों को हमें इस क्वेश्चन के ऊपर अप्लाई करके बताना है कि कैसे चार्ज कंजर्व रहेगा। मैं 3 स्टेप में अपनी बात आप लोगों को बताता हूं, ध्यान से सुनिएगा। देखो बेटा, दो बातें उसने हमें कह रखी हैं, एक बॉडी का नाम क्या दिया है और एक बॉडी का नाम सिल्क दिया है ना, ठीक है। हमने एक ग्लास रॉड को कंसीडर किया, ये हमारे पास में ग्लास रॉड है और ये हमारे पास में सिल्क है। थोड़ा ध्यान दीजिएगा, ये स्टेप नंबर 1 है हमारे पास में, पहला स्टेप, ठीक है, फर्स्ट स्टेप। अभी ना तो कोई चार्ज ग्लास रॉड के ऊपर है, ग्लास रॉड अभी न्यूट्रल है, कैसी है, कोई चार्ज नहीं है इसके ऊपर, ग्लास रॉड न्यूट्रल है। समझ में आ रही बात? सिल्क भी अभी हमारा न्यूट्रल है, न्यूट्रल बॉडी का मतलब है कि उसका चार्ज जीरो है। तो मैं ये कह सकता हूं चार्ज इन इनिशियल कंडीशन, इनिशियल कंडीशन में ग्लास का चार्ज भी कितना है, सिल्क का 0+0, एंड द फाइनल आंसर इज इनिशियल चार्ज हमारा जीरो है, क्लियर। अभी जस्ट क्वांटाइजेशन में हमने एक प्रॉब्लम सॉल्व की,
उस प्रॉब्लम में हमने क्या पढ़ा, जरा ध्यान से देखना। अगर हमने इन दोनों को रबिंग कराया आपस में, क्या कराया, इन दोनों को ऐसे घिस दिया हमने, घिस दिया हमने, तो यहाँ से कुछ इलेक्ट्रॉन यहाँ ट्रांसफर हो गए, यहाँ से कुछ इलेक्ट्रॉन यहाँ ट्रांसफर हो गए। मैंने माना कि n इलेक्ट्रॉन यहाँ से यहाँ ट्रांसफर हो गए, ठीक है। मुझे आप एक बात बताइएगा, अगर यहाँ से इलेक्ट्रॉन यहाँ ट्रांसफर हो गए तो यहाँ से इलेक्ट्रॉन बाहर निकले हैं, निकले हैं यहाँ से इलेक्ट्रॉन बाहर, इलेक्ट्रॉन के बाहर निकलने की वजह से यहाँ आ गया है पॉजिटिव चार्ज। कैसा चार्ज, कितने इलेक्ट्रॉन बाहर निकले हैं, और एक इलेक्ट्रॉन का चार्ज होता है E, ठीक है। तो बेटा ग्लास रॉड के ऊपर आ गया आफ्टर द रबिंग, घिसने के बाद, रबिंग कराने के बाद में इतना चार्ज आ गया। बताइए समझ में आया नहीं, अरे आ गया, यहाँ इलेक्ट्रॉन पहुंचे हैं, कुछ तो इसके पास में पहले से थे होंगे ही, कुछ और इसके पास पहुंच गए। जहां इलेक्ट्रॉन पहुंचते हैं, अभी पढ़ाया मैंने आप लोगों को, जहां इलेक्ट्रॉन पहुंचते हैं वहां नेगेटिव चार्ज आता है, कैसा चार्ज आता है, तो बताओ इस पर कितना चार्ज आ जाएगा, इस पर आ जाएगा Q2 डैश इज इक्वल टू माइनस, माइनस क्यों आया, क्योंकि इसने इलेक्ट्रॉन को एक्सेप्ट किया है, ठीक है, इसने इलेक्ट्रॉन को बाहर निकाला है पॉजिटिव, इसने इलेक्ट्रॉन को गेन किया है तो नेगेटिव, कितने इलेक्ट्रॉन को गेन किया है, अरे यार अगर चार यहां से निकले हैं तो डेफिनेटली यहां भी चार ही पहुंचेंगे, अगर यहां से n निकले हैं ना तो यहां भी n ही पहुंचेंगे, कितना चार्ज आया, एन ई, अरे आया या नहीं आया, ठीक है। आप मुझे ये बताइए कि फाइनल चार्ज कितना हो गया, फाइनल चार्ज बिफोर रबिंग, रबिंग कराने से पहले कितना चार्ज था, आफ्टर रबिंग, रबिंग कराने के बाद, मेरी बात ध्यान से सुनिएगा, आफ्टर रबिंग इंडिविजुअली ये बॉडी चार्ज हो गई, रबिंग कराने के बाद इस पर कैसा चार्ज आ गया, पॉजिटिव, इंडिविजुअली ये भी चार्ज हो गई, इस पर कैसा चार्ज आ गया, नेगेटिव, लेकिन पूरे सिस्टम का चार्ज कितना हुआ, फाइनल कंडीशन में आफ्टर द रबिंग पूरे सिस्टम का चार्ज हुआ, यहां का चार्ज कितना हुआ, प्लस एन ई, यहां का चार्ज कितना हुआ, माइनस एन ई, कैंसिल आउट, आंसर कितना आया। देखो डेफिनेशन पूरी तरीके से एक्यूरेट है, चार्ज नाइदर बी क्रिएटेड एंड नॉर बी डिस्ट्रॉयड, पहले कितना था, अब भी कितना है, लेकिन पहले बॉडी चार्ज नहीं थी, अब बॉडी चार्ज है, बॉडी हमने चार्ज को ट्रांसफर कर दिया है, चार्ज नाइदर बी क्रिएटेड एंड नॉर बी डिस्ट्रॉयड, बट चार्ज ट्रांसफर वन बॉडी टू अनदर बॉडी, हमने चार्ज को ट्रांसफर कर दिया है ग्लास रॉड से किस पर, सिल्क पर, तो इसीलिए ग्लास पर कैसा चार्ज आ गया है, पॉजिटिव, और सिल्क पर कैसा चार्ज आ गया है, बताइए क्लियर है या नहीं है। एनसीईआरटी का क्वेश्चन है और बड़ा अच्छा क्वेश्चन है, लैंग्वेज कई बार ऐसा होता है कि बच्चे समझ नहीं पाते हैं, ठीक है। तो आप तीन स्टेप बनाकर इस क्वेश्चन को अपनी कॉपी में लिख लीजिए, इनिशियल चार्ज भी जीरो है, फाइनल चार्ज भी जीरो है, और इसके नीचे आएगा स्टेटमेंट, स्टेटमेंट क्या आएगा, आपको दो लाइन में लिखना पड़ेगा कि ऊपर जो हमने ये पूरा फिनोमेना किया है इसमें साफ साफ पता चलता है कि चार्ज ना तो क्रिएट हो रहा है ना डिस्ट्रॉय हो रहा है, चार्ज एक बॉडी से दूसरी बॉडी पर ट्रांसफर हो रहा है, ठीक है। तो इससे प्रूव होता है कि चार्ज कंजर्व है यहां पर। आदित्य क्या हुआ भाई, बैठने में परेशानी हो रही है क्या, बैठा नहीं जा रहा है, ओके तो इनिशियल चार्ज जीरो है, फाइनल चार्ज भी जीरो है, ना तो चार्ज क्रिएट हुआ है ना चार्ज डिस्ट्रॉय हुआ है, चार्ज सिर्फ ट्रांसफर हुआ है एक बॉडी से दूसरी बॉडी की तरफ, ठीक है। ये आप लोगों का कॉन्सेप्ट है बेटा। तो अभी तक हमने चार्ज की डेफिनेशन पढ़ ली है कि भाई चार्ज की डेफिनेशन क्या है, पॉजिटिव का मतलब क्या है, नेगेटिव का मतलब क्या है, क्वांटाइजेशन ऑफ क्या है, क्वांटाइजेशन कहाँ जाकर फेल होगा, बहुत छोटे लेवल पर वैलिड नहीं है, बहुत बड़े लेवल पर इग्नोर करके चलेंगे हम उसे, क्योंकि हमें बड़े लेवल पर ये नहीं पता रहता कि उस नंबर में डेसिमल है या डेसिमल नहीं है, तो हम क्वांटाइजेशन को इग्नोर कर देते हैं, ठीक है। अच्छा ये हमने आपको बताया कि चार्ज कंजर्व रहेगा, ना क्रिएट होगा ना डिस्ट्रॉय होगा, बस एक बॉडी से दूसरी बॉडी पर ट्रांसफर होगा, और ऐसा क्वेश्चन इसके ऊपर पूछा जाता है। डेफिनेशन कोई आप लोगों से नहीं पूछेगा कि कंजर्वेशन ऑफ चार्ज की डेफिनेशन बताइए, इस तरीके की प्रॉब्लम आप लोगों से पूछेगा। कर पाओगे आप सभी लोग, कोई परेशानी है किसी को, ठीक है। नेक्स्ट, अभी जस्ट सेम हम लोगों ने ऐसा क्वेश्चन एक डिस्कस किया आपके सामने, बिल्कुल यही प्रॉब्लम थी, एक्यूरेट, हल्का सा भी बदलाव नहीं था, नाम वाम में बदलाव हो सकता है, नहीं यही था शायद, नाम भी यही था ना, बस माइनस सिक्स की, मैंने माइनस सिक्स लिखा था, यहां क्या है माइनस सेवन, वहां 3.2 था, यहां 3 है, 3 × 10 की पावर माइनस सेवन, क्या है बेटा प्रॉब्लम ये बता दीजिए।
पॉलिथीन की रबिंग हमने किसके साथ में कराई है? वूल के साथ कराई है। तो पॉलिथीन पर कैसा चार्ज आया है? और नेगेटिव की वैल्यू है इतनी। ठीक है, देखो ये रहा पॉलिथीन और ये है वूल, हमने दोनों की रबिंग कराई तो पॉलिथीन पर आ गया है इतना चार्ज, -3 × 10⁻⁷ कूलम। क्लियर? यहां बताइए कितना चार्ज आएगा? सेम चार्ज आएगा ना? अरे आएगा या नहीं आएगा? सेम चार्ज आएगा, बस कहां का आएगा? पॉजिटिव का आएगा। बताइए इलेक्ट्रॉन कहां से कहां ट्रांसफर होंगे? इलेक्ट्रॉन हमेशा ट्रांसफर होते हैं पॉजिटिव बॉडी टू नेगेटिव बॉडी। ये वूल है और ये क्या है? पॉलिथीन। तो इलेक्ट्रॉन ट्रांसफर होंगे वूल टू पॉलिथीन। क्लियर? एनी डाउट? ठीक है, सो शायद एक क्वेश्चन का आंसर तो मिल गया है, फ्रॉम विच टू विच। ठीक है, कहां से कहां ट्रांसफर होंगे? वूल टू पॉलिथीन। अगर आपको कितने इलेक्ट्रॉन ट्रांसफर हुए हैं उनका नंबर निकालना है, सो नंबर ऑफ ट्रांसफर इलेक्ट्रॉन क्या लिखना पड़ेगा बेटा? 6.25 × 10⁻¹⁸ मल्टीप्लाई बाय चार्ज। कितनी है चार्ज की वैल्यू? 3 × 10⁻¹⁷। इतने इलेक्ट्रॉन ट्रांसफर हुए हैं, मल्टीप्लाई तो कर लोगे। ओके, अब मुझे आप ये बताइए कि कितना मास ट्रांसफर हुआ है, लेकिन पहले ये बताइए कि किसका मास हुआ है डिक्रीज और किसका मास हुआ है इंक्रीज। यहां से इलेक्ट्रॉन निकले हैं तो इसका मास क्या हो गया? कम। यहां इलेक्ट्रॉन एक्सेप्ट हैं, गेन हुए हैं, इसका मास हो गया इंक्रीज। यहां से मास यहां ट्रांसफर हो गया है। ठीक है, कैसे निकालोगे मास ट्रांसफर की वैल्यू बताइए, कैसे निकालोगे? जी सर, हाँ जी, आप ही पीछे कॉपी में देखने की जरूरत पड़ जाएगी। कैसे निकालोगे मास ट्रांसफर? मास समझते हो किसे कहते हैं? किसे कहते हैं मास? अरे मास नहीं पता तुझे किसे कहते हैं यार? अभी तो हमने ऐसा क्वेश्चन कराया था, जस्ट कराया ना इसी तरीके की प्रॉब्लम। यहां से इलेक्ट्रॉन यहां निकल गए हैं तो इसका मास कम हो जाएगा, इसका मास बढ़ जाएगा। कितना मास ट्रांसफर हुआ है? नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन ट्रांसफर्ड इंटू एक इलेक्ट्रॉन का मास कितना होता है? क्लियर है? जल्दी से बताइए, कोई प्रॉब्लम है तो पक्का। तो इस तरीके से हम प्रॉब्लम को बनाएंगे। ठीक है, आप करना चाहो तो क्वेश्चन को नोट कर लो, बाकी अपने आप इसे आप सॉल्व करने की कोशिश करिएगा। कर लीजिए नोट, आगे बढ़ते हैं। फिर बात कम करो भाई। ठीक है, तो ये जो दो प्रॉपर्टी आप लोगों ने पढ़ी हैं, क्वांटाइजेशन और कंजर्वेशन, इन्हें अच्छे से याद करना पड़ेगा आप लोगों को। ठीक है, ये प्रॉब्लम हो गई, आप बना पाएंगे आराम से, क्योंकि इस तरीके की क्वेश्चन मैं आपको बता चुका हूं। नोट कर लीजिएगा आराम से और अपने आप क्वेश्चन को ट्राई करने की कोशिश आप करिएगा। ठीक है, ये तो अभी नेक्स्ट टॉपिक है, अभी पढ़ाया नहीं है मैंने आपको। ठीक, देखो बेटा, ये भी हमारी एनसीईआरटी की ही प्रॉब्लम है। ठीक, और इस तरीके का क्वेश्चन भी हम लोगों से पूछा जा सकता है 2 मार्क्स में। मैंने आपसे कहा कि ये टॉपिक 2 नंबर के लिए इंपॉर्टेंट है और यहां से क्वेश्चन बन सकता है बिल्कुल। ठीक है, तो आप ध्यान रखें हर एक कंडीशन को जो आपको बताई जा रही है। हाउ मच पॉजिटिव एंड नेगेटिव चार्ज आर देयर इन अ कप ऑफ वाटर। ठीक है, 1 कप ऑफ वाटर के अंदर कितना पॉजिटिव चार्ज होगा और कितना नेगेटिव चार्ज होगा? मुझे ऐसा लगता है कि वाटर तो न्यूट्रल होता है, पानी न्यूट्रल होता है ना। अगर वाटर न्यूट्रल है तो जितना उसके अंदर पॉजिटिव चार्ज होगा बिल्कुल उतना ही नेगेटिव चार्ज होगा। आप क्या दो पॉजिटिव को निकाल दो, बिल्कुल उतना ही नेगेटिव हो जाएगा। आप नेगेटिव को निकाल दो, बिल्कुल उतना ही पॉजिटिव हो जाएगा। और जब भी आपके पास में कोई मास की क्वांटिटी गिवन होती है बेटा, ध्यान रखना, अगर कोई ऐसी प्रॉब्लम आपके पास में आती है जिसमें मास की जो क्वांटिटी है वो आप लोगों को गिवन है, ठीक है, उस कंडीशन में चार्ज निकालने का जो फॉर्मूला है आपके पास में वो ये है।
ये वो कंडीशन है जब पेपर का लेवल हल्का सा राइज कर दिया जाएगा, पेपर का लेवल हल्का सा बढ़ा दिया जाएगा, तब इस तरीके का सवाल आप लोगों से पूछा जाएगा। ठीक है, ये कंडीशन है बेटा हमारे पास में चार्ज को कैलकुलेट करने की। हमने क्वांटाइजेशन ऑफ चार्ज के फॉर्मूले को ही थोड़ा सा खोल दिया, फॉर्मूले को थोड़ा सा खोलकर ये रिजल्ट हमारे पास में बन गया। अगर इस फॉर्मूले को आप याद रख पाए तो न्यूमेरिकल क्वेश्चन में आपकी गलती नहीं होगी, आप बना पाओगे आराम से। अब मेरी बात को सुन लीजिए ध्यान से। m का मतलब है गिवन मास, कैपिटल m मॉलिक्यूलर मास या एटॉमिक मास, जो भी आप कहना चाहते हैं। एवोगैड्रो नंबर, z का मतलब है कलेक्टिवली एटॉमिक नंबर, कलेक्टिवली एटॉमिक नंबर, पूरा मॉलिक्यूल आपको दे रखा होगा, पूरे मॉलिक्यूल का एटॉमिक नंबर कितना है। ठीक है, और e का मतलब है इलेक्ट्रॉन का चार्ज या प्रोटॉन का चार्ज, एक ही बात है, कोई अलग बात नहीं है। ठीक है, अब कैसे हम निकालेंगे आंसर, जरा ध्यान से देखिए। देखिए कहां की बात हो रही है बेटा, बात हो रही है 1 cup of water की। ठीक है, 1 cup of water, 1 cup का मतलब 250 ग्राम से होता है, आप आगे से ध्यान रखिएगा। 2 cup 500 ग्राम, 3 cup 750, और 4 cup यानी पूरा 1 liter, और 1 liter को हम ये मानकर चलेंगे कि उसका मास 1000 ग्राम होना है। ठीक है, तो ये एनसीईआरटी की लैंग्वेज है, कप का मतलब ध्यान रखिएगा, 1 cup का मतलब 250 ग्राम से है। ठीक है, कितने कप की बात हो रही है, अरे बताइए यार, अ कप ऑफ वाटर, 1 cup की बात हो रही है, तो 250 ग्राम यानी मास की वैल्यू हम लोगों को मिल चुकी है और वो है 250। ठीक, कैपिटल एम है मॉलिक्यूलर वेट, ठीक, वाटर की बात हो रही है ना, तो वाटर का केमिकल फॉर्मूला क्या होगा, H2O। ठीक है भाई, फिजिक्स वाले हमें केमिस्ट्री तो पता है नहीं, थोड़ा सा खोल के लिख देते हैं इसे। ठीक है, H का मास नंबर 1, इसका भी कितना है 1, O का कितना है 16, है 16, तो वाटर का मॉलिक्यूलर वेट आ गया 18, आ गया 18, 18, तो कैपिटल M की वैल्यू हो गई हमारे पास में 18। क्लियर हो गई ना बात, सिर्फ आपको स्मॉल m निकालना है, कैपिटल m निकालना है और z निकालना है, ये 3 वैल्यू आपको ध्यान रखनी है। अब वाटर के लिए एटॉमिक नंबर देख लो आप कितना होगा, हाइड्रोजन के 2, ऑक्सीजन का 1, हाइड्रोजन का एटॉमिक नंबर 1, हाइड्रोजन का एटॉमिक नंबर 1, ऑक्सीजन का 8, इतना तो पता होगा सभी लोगों को, 1, 1 और 8 कितना हो गया 10, यानी z की वैल्यू हो गई 10। ठीक है, देखो भाई इसका पता आपको चलेगा क्या, तो मास सीधे तौर पर आपको गिवन दिया जाएगा या कप में दिया जाएगा, कप का चक्कर मैंने आपको बता दिया, और अगर सीधे तौर पे गिवन है फिर निकालने की जरूरत ही नहीं है आप लोगों को, सिर्फ 2 चीजें आपको निकालनी है, कैपिटल एम मॉलिक्यूलर वेट आपको निकालना है, जेड आप लोगों को एटॉमिक नंबर निकालना है। समझ में आ रही बात आप लोगों को, अब सीधा आप यहां से वैल्यू उठाइए और यहां पुट करिए और सही तरीके से कैलकुलेशन करिए। देखो बेटा मास की वैल्यू है हमारे पास में 250, अरे हो गई है, मास ग्राम में रखना है ध्यान रखिएगा, कैपिटल एम की वैल्यू है 18, एवोगैड्रो नंबर की वैल्यू है 6.022 × 10³, जेड की वैल्यू है 10 और इलेक्ट्रॉन का चार्ज होता है 1.6 × 10⁻¹⁹ कूलम। कैलकुलेशन थोड़ी मुश्किल सी है, बाकी यह है कि हो जाएगा, बहुत मुश्किल नहीं है कि भाई नहीं कर पाओगे आप लोग। 250 × 6.022, साथ में है 10, साथ में है 1.6 डिवाइडेड बाय 18, ये 10³ + 23rd, ये 10³, ये 10⁻¹⁹, सॉल्व करके कितना बचेगा हमारे पास में 10⁵, अरे बचेगा या नहीं बचेगा, 23rd और 1, 24, 24 में से 19 को माइनस करोगे तो कितना आ जाएगा 5, अरे प्लस में आएगा या नहीं आएगा। ठीक है, अब बताओ इसे सॉल्व कर पाओगे, क्या करना पड़ेगा, तीनों की मल्टीप्लाई करो और 18 से डिवाइड करो, इतना ही चार्ज आप लोगों के पास में प्लस माइनस में निकल कर आ जाएगा, इतने कूलम का चार्ज रहने वाला है 1 cup of water के अंदर, पानी के 1 cup में इतना ही तो पॉजिटिव चार्ज रहेगा, इतना ही नेगेटिव चार्ज रहेगा, तभी तो ये न्यूट्रल बनेगा, अदरवाइज कैसे बनेगा न्यूट्रल। ठीक है, तो इतना हमारे पास में चार्ज रहने वाला है। ऐसा क्वेश्चन चार्ज से तब बनेगा जब पेपर का लेवल थोड़ा सा अच्छा रहेगा, तब इस तरीके की प्रॉब्लम बनेगी।
ओके अब देखो मैं आपके सामने एक और बिल्कुल इसके जैसे ही प्रॉब्लम लिखता हूँ, सिर्फ प्रैक्टिस के लिए कि भाई आप समझ जाओ, कैलकुलेशन आप लोगों को ही करनी होंगी, मैं सिर्फ वैल्यूज निकाल कर दिखाऊंगा आप लोगों को, ठीक है? कैसे करेंगे हम प्रॉब्लम को, फॉर्मूला जरूर याद रखेगा, एम अपॉन कैपिटल एम एन नॉट इंटू जेड इंटू इलेक्ट्रॉन का चार्ज, ठीक है? देखो प्रॉब्लम क्या निकल कर आई हमारे पास में, दो पार्ट बना देता हूँ मैं भाई। इधर है अपने पास में टू कप ऑफ NaCl, ठीक है, और इधर है हमारे पास में 10 ग्राम ऑफ Na+, NaCl सोडियम क्लोराइड यानी कॉमन सॉल्ट, न्यूट्रल होता है या नहीं होता है, कोई पॉजिटिव कोई नेगेटिव तो नहीं दिखाई दे रहा आपको इसके ऊपर, यानी इसके अंदर जितना पॉजिटिव चार्ज है बिल्कुल उतना ही नेगेटिव चार्ज है। तो जो फॉर्मूला मैंने आपको बताया वही हम यहाँ अप्लाई करेंगे, थोड़ा सा दो चार बार फॉर्मूले को लिख लेंगे तो याद हो जाएगा आपको क्या है भाई फॉर्मूला, स्मॉल m अपॉन कैपिटल m इंटू एन नॉट इंटू जेड इंटू स्मॉल ई, क्लियर? बताइए कोई परेशानी है तो किसी को, ठीक? उसके लिए भी हमारा सेम फॉर्मूला है, q इज इक्वल टू स्मॉल m कैपिटल m इंटू एन नॉट इंटू स्मॉल n इंटू स्मॉल ई। दोनों फॉर्मूलों में कोई डिफरेंस दिख रहा है आप लोगों को? यहाँ क्या यूज़ किया है हम लोगों ने और वहाँ क्या यूज़ किया है? जब भी आयन आएगा ना बेटा, कोई आयन Na+, Ca++, Cl- आप स्मॉल n का यूज़ करेंगे, आप z का यूज़ नहीं करेंगे। यहाँ मैं आपको वैल्यूज़ निकाल कर दिखाता हूँ, बाकी कैलकुलेशन आप लोगों को ही करनी है, ठीक है? स्मॉल m, हाँ भाई, दो कप का मतलब कितने से है? 500 ग्राम से है, ठीक है? क्लियर? एनी डाउट? ओके, NaCl के लिए कैपिटल M की वैल्यू क्या होगी? NaCl के लिए कैपिटल M कितना होने वाला है? शायद 58.5 होगा। कैसे? सोडियम का मास नंबर, सोडियम का कितना होगा भाई एटॉमिक वेट? 23, और Cl का कितना होगा? 35.5 होगा, कितना बन जाएगा? 58.5। बताइए समझ में आ गया क्या सभी लोगों को? Z की वैल्यू पर आ जाते हैं, Z ये बताइए Na के लिए Z की वैल्यू क्या है? 11, अरे है या नहीं? और Cl के लिए Z की वैल्यू क्या है? 17, Cl का एटॉमिक नंबर क्या है? 17, और सोडियम का एटॉमिक नंबर क्या है? 11, दोनों को ऐड करेंगे तो कितना जाएगा? 28 आएगा, 28 मास है आपके पास में, अरे है भाई, कैपिटल M भी है आपके पास में, Z भी है आपके पास में, एवोगैड्रो नंबर आप जानते हैं, और आगे से एक काम करिएगा, एवोगैड्रो नंबर की वैल्यू ये रखनी है आपको 6 × 10^23, 6.022 नहीं रखना है आपको, 6 × 10^3 रखना है। यहाँ आएगा 500, कैपिटल M की जगह आएगा ये, एन नॉट की जगह आएगा ये, ठीक है, Z की जगह आएगा 28, और इलेक्ट्रॉन का चार्ज आपको सबको पता है 1.6 × 10^-19। भाई कैलकुलेशन तो देखो तुम्हें करनी पड़ेगी यार, इतना तो नहीं करूंगा कि भाई मैं कैलकुलेशन में मैं करके दिखाऊंगा, कर लोगे ना? जल्दी से बताइए। सेम यहां पर है, सिर्फ Z की जगह स्मॉल n आ गया है, हल्की सी कंडीशन बदल गई है। अब जरा देखते हैं कि कैसे करेंगे। ये बताइए स्मॉल m क्या होने वाला है हमारे पास में? स्मॉल m 1 नहीं है, 10 ग्राम है, ठीक है, हो गया, ओके। कैपिटल M कितने होने वाला है? कैपिटल M सोडियम के लिए कैपिटल M की वैल्यू 23, आ गया समझ में? कोई परेशानी है तो बताओ, ठीक है, ओके। एन नॉट की वैल्यू सबको पता है क्या होती है? 6 × 10^23। इलेक्ट्रॉन का चार्ज भी सबको पता है क्या होता है? ओके बेटा, स्मॉल एन जो आपको दिख रहा है ना आयन के केस में, उसके ऊपर कितने पॉजिटिव कितने नेगेटिव लगे हैं, स्मॉल एन का मतलब इस बात से है, कितने पॉजिटिव लगे हैं उस पर, कितने लगे हैं? तो 1 रखना है आपको यहां पर। अगर यहां ऐसे होता Ca++ 2, यहां ऐसे होता बेरिलियम प्लस प्लस प्लस, तो n की जगह क्या रखते? 3। ये सिर्फ आयन के केस में है, किसके केस में है? आयन। और अगर कोई न्यूट्रल मटेरियल है तो फिर ऐसे करना है, जितना पॉजिटिव होगा उतना ही नेगेटिव होगा, आयन के ऊपर पॉजिटिव का साइन है, यहां सिर्फ पॉजिटिव होगा, यहां नेगेटिव नहीं होगा, यहां सिर्फ कैसा चार्ज होगा? पॉजिटिव, यहां नेगेटिव नहीं होने वाला है। और स्मॉल n की जगह कितने पॉजिटिव हैं उनकी वैल्यूज आपको यहां रखनी है, यहां पुट करो, मल्टीप्लाई करो, सॉल्व करो आंसर, ठीक है?
कूलम में आंसर निकल जाएगा। बताइए समझ पाए या नहीं पाए, बोलो जल्दी से। पक्का कर लोगे आराम से? ठीक है। ठीक, ये फॉर्मूला बड़ा इंपॉर्टेंट है, बस आप इतना ध्यान रखिएगा। वो पॉलिथीन वूल वाला सवाल बताया है, वो आप अच्छे से ध्यान रखिएगा। कितना मास ट्रांसफर होगा, कितने इलेक्ट्रॉन ट्रांसफर होंगे, कहां से कहां ट्रांसफर होंगे, और यहां हम किस तरीके से प्रॉब्लम बनाएंगे। ठीक है, तो भैया ये थी हमारी फर्स्ट क्लास, और पहली क्लास में हमने आपको चार्ज और चार्ज की दो प्रॉपर्टी जो हमारे लिए सिर्फ इंपॉर्टेंट है बोर्ड एग्जाम के लिए, एक का नाम है क्वांटाइजेशन और एक का नाम है कंजर्वेशन। ठीक है, हमने आपको बता दी है। उसके ऊपर जो प्रॉब्लम आप लोगों से पूछी जा सकती है वो हमने आपको बता दी है। ठीक है, अब ये तो हो गई चार्ज और चार्ज की प्रॉपर्टी। चार्ज के ऊपर एक हल्का सा टॉपिक और हम लोगों से पूछा जाता है, वो हेडिंग डाल दीजिए आप अपनी कॉपी के अंदर। टॉपिक है मेथड्स ऑफ चार्जिंग, मेथड्स ऑफ चार्जिंग। यहाँ है तो दो तीन मेथड, लेकिन बात सिर्फ एक ही मेथड की करनी है जो हमारे लिए इंपॉर्टेंट है। ठीक है, सिर्फ एक मेथड की बात करेंगे, मेथड्स ऑफ चार्जिंग। इस पर लिख लीजिए, अब तक सीबीएसई की पूरी हिस्ट्री में एक बार ये क्वेश्चन पूछा गया है, और एनसीईआरटी से जुका तो उठाकर पूछा गया है। ये रहा क्वेश्चन, एक लाइन का सवाल है, सिंपल। हाउ कैन यू चार्ज अ मेटल स्फीयर पॉजिटिवली विदाउट टचिंग इट। ठीक है, पांच नंबर में क्वेश्चन पूछा गया था, स्टेप बनाकर हम लोगों को पूरा आंसर का जवाब देना था पांच नंबर में। ठीक है, तो इसी की हम लोग बात करने वाले हैं नेक्स्ट पर। ठीक है, कल करेंगे इसके बाद, आज की क्लास इतनी है। होमवर्क पता है ना आप लोगों का क्या है, जो मैंने आज कराया है ना, जैसी कल आप आएंगे सबसे पहले मैं आप लोगों से ये करा कर देखूंगा। नहीं करा कर आएंगे तो घर जाएंगे यहाँ से, ध्यान रखिएगा।